इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन में इस तरीके से इशू क्यों दिखाई देता है हमें कभी कभी। ऐप नॉट अवेलेबल, दिस ऐप इज़ करंटली नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन। तो यहाँ पर ये क्या दिक्कत रहती है और क्यों हमें देखने के लिए मिलता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए भैया ध्यान से वीडियो को, पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा और तो देखिएगा और समझिएगा कि ये इशू क्रिएट क्यों होता है। देखिए सबसे पहले हम ऐप स्टोर पर ना चलकर अपने सफारी पर चलते हैं। सफारी में जाने के बाद हमने टिकटॉक एप्लीकेशन सर्च कर ली, ठीक है, वो भी ऐप स्टोर वाली, प्ले स्टोर वाली नहीं। यहाँ पर हमने सर्च कर रखा है iOS। अब एक्चुअली में इंडिया में टिकटॉक बैन है, ठीक है, और इंडिया में तो ये मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसे इंस्टॉल पर टिक कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐप स्टोर पर जा रही है, क्योंकि ऐप स्टोर पर ये अवेलेबल है लेकिन अदर्स कंट्री में, ठीक है, जैसे कि US वगैरह या जहाँ जहाँ टिकटॉक चलती है वहाँ पर। तो पेज जो था वो ग्लोबली था, ठीक है, और जो अब ये प्ले स्टोर खुल रहा है ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए है, ठीक है। तो अगर आप कहीं और से यूज़ करते हुए होंगे, अगर मान के चलिए US, कनाडा, फ्रांस वगैरह से, और वहाँ पर टिकटॉक बैन नहीं होगी तो आपको टिकटॉक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन होती हैं ये आपके ऐप स्टोर पर तो होती हैं, लेकिन आपकी कंट्री में इनको बैन किया गया होता है या इनको हटा दिया गया होता है। तो आप क्या करिए, अपने ऐप स्टोर की कंट्री को चेंज कर लीजिए अगर आपके पास नंबर पिन कोड वगैरह है। तब तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल से एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद प्रोफाइल में दोबारा चलते हैं, यहाँ पर पासवर्ड वगैरह यहाँ पर अपना एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे साइन इन पर टिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको कंट्री एंड रीजन्स दिख जाएंगी, तो इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से अब आपको एडिट करना स्टार्ट कर देना है, जो भी आपका एड्रेस हो अगर बाहर का आपको आपके पास है नंबर पिन वगैरह तो उन्हें डाल लीजिए, एंड सर्वर वगैरह चेंज करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऐप स्टोर से ही। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे कि एक एग्रीमेंट हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर कुछ आईफोन्स में चीज़ें भी बदल सकती हैं, लेकिन तब होता है तब करेंगे, ठीक है, ग्लोबल ही है यहाँ पर। जैसे कि अब ये डेबिट कार्ड हो गया, यहाँ पर आपका नाम वगैरह और स्टेट एड्रेस, नंबर, पिन कोड वगैरह आपके पास होने ज़रूरी है। मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं नहीं डालने वाला, और ज़रूरी भी नहीं कि इंडिया में रहकर आप एड्रेस चेंज करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, 100% नहीं है। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं और बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।